से लगेगा ये। इधर हम डोरी और लटकन कुछ भी लगा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए जो मैंने कल ब्लाउज़ की कटिंग और ये दूसरे वीडियो में नेक का डिज़ाइन बनाया था, आज मैं इसमें कॉलर लगाने वाली हूँ। तो देखिए, कॉलर लगाने से पहले फ्रेंड्स आगे के पूरे पीस को कंप्लीट कर लेना है, यानी कि क्रॉस पट्टी लगा लेनी है, कटोरी सिल लेनी है, गले में भी पट्टी लगा लेनी है। फ्रेंड्स ये देखिए, गले में पाइपिंग या पट्टी, पाइपिंग लगानी है तो हमें हाफ में ही लगाना होगा और पट्टी लगानी है तो हमें फुल में लगाना होगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए, अभी हम दोनों पीसों को इस तरीके से सिल लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से, दोनों को बराबर करते हुए दूसरे वाले हिस्से को भी सिल लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये गला कंप्लीट हो गया, गला बनाने के लिए रेडी हो गए हैं, शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब मैं आगे से 3 इंची पर निशान लगाऊंगी। वो किस लिए फ्रेंड्स? क्योंकि वो यहाँ तक मुझे कॉलर चाहिए फ्रेंड्स। तो जहाँ तक आपको नेक चाहिए, कॉलर चाहिए, वहाँ तक आप पहले निशान लगा लेंगे। ये देखिए मैं निशान लगा ली हूँ, मुझे 3 इंची तक कॉलर चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें पीछे कुछ भी नहीं है, तो वो हमें जैसे हमें शोल्डर ऐसे ये चौड़े हैं तो कॉलर के लिए अपने आप ही यहाँ कपड़ा होता है, मगर हम अब हमें उसी के हिसाब से ये लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, इधर का एरिया जो है कॉलर के लिए। तो इधर से दोनों मिलाए तो हमारे 6 इंच ही हो गए फ्रेंड्स, टोटल 6 इंच हो गए। और पीछे का अगर हम नॉर्मल गले को कटिंग करते हैं तो हमारा ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास जो बचा हुआ कपड़ा था वही है, ये मैं इसी से मैं कॉलर का गला बनाऊंगी। अभी हमें क्या करना है, देखिए ये मैंने 3 पे निशान लगाया है, इधर से इधर 3 पे है दोनों साइड। ये देखिए 3-3 पे निशान लगाया है, तो अभी ये मेरे 3 और इस साइड के 3 और उस साइड के 3 दोनों 6 हो गए हैं। और हमें अभी इधर, क्योंकि मेरा कपड़ा ज्वाइंट नहीं है, ओपन है नेक, तो वो हमें उसी के अनुसार लेना पड़ेगा। तो हम नॉर्मली जब डीप गला रखते हैं तो 2.5 लेते हैं, मगर अगर कॉलर वाला लेते हैं तो हम 3-3.5 भी रख सकते हैं फ्रेंड। तो 3.5 रखा तो 7, 3.5 रखा तो पीछे का 7 आ गया एरिया, 7 और 6 13 इंच हो गया फ्रेंड्स। मगर अभी हमें, क्योंकि मैंने पीछे मटका गला बनाया है और थोड़ा डीप रखा है, तो हम एक एक इंची सिलाई में चला जाएगा। 13 हो रहे थे तो फ्रेंड्स आगे के भी 1 इंची एक्स्ट्रा, आधा आधा दोनों साइड जाएगा, तो 13 और 1 प्लस मिलाया तो 14 हो गया। मगर मैं थोड़ा सा, क्योंकि कॉलर खिंचाव कर सकता है, इसलिए मैं 16 इंची का रखूंगी। हाफ हाफ इंची इधर दोनों साइडों से जाएगा फ्रेंड्स। और क्या होगा कि पीछे से भी थोड़ा जो डीप है वो भी खिंचाव करता है फ्रेंड्स, 2 या 1 इंची एक्स्ट्रा इसमें रखना है फ्रेंड्स। इस नेक के अंदर जो पीछे कपड़ा नहीं है तो उसके अंदर हमारा 14 आ रहा था, 1 इंची हमारा हाफ हाफ दोनों तरफ सिलाई में चला जाएगा तो 15 होता है। तो हम 17 या 16.5 या इतना हमें एक्स्ट्रा रखना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये चलिए हम ये अब हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया और ये 2 इंची पे जो निशान लगाया था वो भी कट कर लिया। अब हम एक पट्टी ले लेंगे, कैनवास पट्टी सीधी ही लेनी है फ्रेंड्स, उससे थोड़ा सा 1/2 इंची के करीब छोड़ते हुए दोनों साइडों से। ये देखिए दोनों साइडों से मैंने 1/2 छोड़ दिया है और निशान लगा लेंगे फ्रेंड्स, और निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा ये जो कॉलर है ये थोड़ा लंबा ही बनेगा, तभी उसकी फिटिंग आती है फ्रेंड्स।
एकदम इक्वल कॉलर बनाने से फिटिंग नहीं आती, कॉलर छोटी और पीछे खींचने के डर रहते हैं। इधर हम चाहे तो गोल भी कर सकते हैं, चाहे तो नोक वाला भी बना सकते हैं, जैसी आपकी जैसा आपको डिजाइन सही लगे। मैं गोल ही बनाऊंगी फ्रेंड्स, ये देखिए, इसलिए गोल में कटिंग कर लेनी है। और थोड़ा मैं नेक भी थोड़ा इतना ही चौड़ा रखूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको कैनवास को सिल लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से सिल लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, आप चाहें तो इसको देखिए, ये चिपकने वाला है, चिपका भी सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा है इसको आप कच्चा कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको कच्चा करूंगी एक ही कपड़े में, इसीलिए ये सिलना, क्योंकि दोनों तो सिलेंगे ही मगर एक ही कपड़े में रखना है, इसलिए हम इसको कच्चा कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे मोटे मोटे टांके लगा लेने, उससे इजी रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे अस्तर मैंने बताया था उसी तरीके से ये नेक भी, कोई भी नेक लगाना है तो आप कच्चा करके लगा सकते हैं अगर आप नए हैं तो, नहीं तो ये देखिए मेरे चिपकने वाला है, मैं सिखाने की वजह से ही ये कच्चा कर रही हूँ, नहीं तो मैं इसको चिपका के यूज़ कर सकती थी। ये देखिए फ्रेंड्स, किसी और टाइम जब मैं नेक बनाऊंगी तो मैं इसको प्रेस करके भी आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मेरा बराबर आ गया है एकदम, ये देखिए इस तरीके से। अब हमको इसके किनारे किनारे फ्रेंड्स सिल लेना है, इतना इतना, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है कैनवास वहाँ से हमें सिल लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए, अब हमें स्ट्रेट सिल लेना है कैनवास। थोड़ा सा ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कैनवास के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, कैनवास के साइड साइड में सिलाई आनी चाहिए। अब हम ये कपड़ा जैसे इसकी गोलाई हुई हुई है ऐसे ही कट कर देंगे दोनों साइड से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से, और थोड़े छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिससे कि ये थोड़ा फोल्ड होने में इजीली फोल्ड हो और अच्छा से हो जाए फ्रेंड्स। अभी ये देखिए, अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फोल्ड हो गई है। ये डिजाइन फ्रेंड्स कपड़े में ही था इसलिए देखिए ये बहुत सुंदर, ये हमारा बाहर की साइड आएगा और वो हमारा अंदर की साइड आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फिर अब हम इसको कपड़े के साथ ज्वाइंट कर लेते हैं फ्रंट पीस से। ये इस टाइप से करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये देखिए इसको फोल्ड कर लेना है। ये ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जो अंदर गया हुआ था कपड़ा उसको फोल्ड कर लेना है अच्छे से, और फिर यहाँ पे एकदम किनारे पे, ज़्यादा नहीं दबाना है फ्रेंड्स, एकदम किनारे किनारे पे सिलाई डाल देनी है। ये देखिए पक्का करेंगे, और जहां तक हमारा शोल्डर है वहां तक हमें सिलाई लगा लेनी है, और थोड़ा देखना है, ज्यादा अंदर नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा देख के ध्यान से, ज्यादा अंदर नहीं सिलना है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ तक, इधर भी पक्का करेंगे क्योंकि इधर खिंचाव पड़ता है तो सिलाई निकलने के चांस रहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमको उस साइड भी, ये देखिए इस साइड भी सिल लेना है। तो पहले मैं ऐसे नाप लूंगी, ये 3 इंची तक ही आना चाहिए और ऐसे फोल्ड करके ही आना चाहिए। तो मैं पहले नाप लूंगी कि कहाँ से कहाँ तक मेरा 3 परफेक्ट होएगा, ऐसे ही करना है फ्रेंड्स, क्योंकि इधर से हम मैं नहीं लगा सकती, मेरा उल्टा हाथ पड़ता है, मुझे उल्टे हाथ से नहीं आता है, इसलिए मुझे इधर से ही लगाना पड़ेगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा शोल्डर है, हाथ से देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम पक्का कर लेंगे। ऐसे ही जैसे उस साइड मारी है सिलाई, ऐसे ही इधर भी मारनी है किनारे किनारे पर, और ये कपड़ा फोल्ड करते हुए। और ये जो 3 इंची का निशान है इधर ही आनी चाहिए, और बिल्कुल किनारे, इसके कैनवास के भी किनारे और गले के भी। ज़्यादा दबाना नहीं है फ्रेंड्स, और ज़्यादा मशीन को उतारना भी नहीं है। ये देखिए पक्का करेंगे। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जितना भी हमारा ये इस टाइप से कपड़ा था, इसको हम फोल्ड करते जाएंगे, और इसको देखो अंदर कर देंगे फोल्ड पूरा। ये देखिए अंदर कर दिया है, और इसको हम सिलाई डाल देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। आप चाहें तो इस पर कच्चा करके भी सिलाई डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे इधर से फिनिशिंग वाली सिलाई आनी चाहिए फ्रेंड्स, मगर इधर दिखाई नहीं दे रही है। तो हम, और मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो रखा है फ्रेंड्स, इसलिए आप इस सिलाई के ऊपर थोड़ा सा इधर करते हुए सिलाई डालेंगे। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए फिर से पक्का करेंगे, और ज़्यादा चौड़ा भी नहीं रखना है। देखिए ऐसे करके दोनों को दबा के सिल लेना है। ये गला बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स, पहनने के बाद इसका गेटअप बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ऊपर से कॉलर रहती है और नीचे हमारे कटिंग भी रहती है दोनों साइड में, इसलिए ये बहुत ही सुंदर, पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इधर भी पक्का करेंगे, इसको भी अच्छे से फोल्ड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई लग गई है। अभी हमें क्या करना है, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, और क्या होता है कि गले की फिनिशिंग, कॉलर की जो है नेक जो बनता है कॉलर वाला, उसकी फिनिशिंग आती है फ्रेंड्स। ये देखिए आप चाहें तो दो दो डाल सकते हैं, आप चाहें तो एक डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है फ्रेंड्स। ये हमारा गला बनके रेडी हो गया है फ्रेंड्स, ये देखिए। यहाँ पे जब ये रेडी हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे बनके रेडी हुआ है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स,